तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानें। इसके लिए हमें शरीर के भागों के विषय में जानना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है इसको समझना होगा, कैसे इसका सिस्टम खान पान का रहता है ये भी जानना होगा, तब जाकर के हम जान सकेंगे ये क्या होगा नहीं होगा। चलिए, तो अब हमारे सामने एक चार्ट है और इस चार्ट से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए क्या सिस्टम है, राइट। तो पहले पाचन क्रिया क्या है ये जान लेते हैं, है ना। पचाना का मतलब ये है खाना शरीर में, आपको पता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वो सब जाकर के कहाँ मिलेगा, ब्लड के अंदर मिलेगा। तो उसका अंत परिणाम क्या है, अंत परिणाम ये है कि उसको ब्लड में समावेशित होना है। हमने जो कुछ भी खाया है वो ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर के अंदर काम करे, इसलिए उसको ऊर्जा को बनने से पहले, वो ऊर्जा का स्वरूप ग्रहण करने से पहले उसको ब्लड में मिलना होगा। क्यों मिलना होगा? क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर जो है एक प्रकार से शॉर्टेस्ट मॉलिक्यूल्स में, देखिए पहले शरीर की बनावट को समझना है तब चीजें समझ में आएगी। हालांकि पहले अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दिया है तो मैं ले लेता हूँ। तो पहले सेल लेना था, सेल का मतलब होता है कोशिका, यानी शरीर का सबसे छोटा वाला भाग। तो कोशिकाओं को हम जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, ये जो सारी कोशिकाओं को इकट्ठा कर देंगे तो ये क्या बनेगा, टिश्यू, हिंदी में बोले तो उत्तक, है ना। ऐसे ही सारे उत्तक या टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, अंग, है ना। तो अंग जो बनाते हैं यानी शरीर का कोई ग्लैंड हो गया, अंग हो गया, जैसे लीवर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, मुंह हो गया, है ना, शरीर का कोई पार्ट, ये सारे टिश्यूज मिल करके बनाते हैं। और ये जो सारे अंग मिल करके क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, पाचन तंत्र, तो क्या बनाएंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, तंत्र। अंग मिल करके क्या बनाएंगे, तंत्र, है ना। सेल, सेल का मतलब कोशिका, कोशिकाओं ने मिल करके ग्रुप बनाया और क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यूज ने ग्रुप बनाया यानी उत्तकों ने ग्रुप बनाया और क्या बना, अंग। अंग क्या बना, जैसे लीवर हो गया अपना, ये ग्लैंड है एक तरह का, छोटी आंत बड़ा आंत, ये सारी चीजें हो गई। ये क्या है, ये सब एक सिस्टम का हिस्सा है, पांच, अभी सिस्टम बना नहीं है। और इन सब से मिल करके छोटी आंत, देखिए ये जो मुंह है ना, मुंह, मुंह वाला जो भाग है, इस मुंह से खाना हम खाते हैं और ये पूरा खाना पचने के बाद हमारे शरीर से जब निकासी का क्रम चलता है, जैसे हमने ये खाना खाया और ये खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक से बड़ी छोटी आंत में गया, छोटी आंत से बड़ी आंत में गया, बड़ी आंत से ये बाहर निकल गया। ये जो बाहर निकलने का जो काम हुआ है, ये यहाँ तक का सिस्टम, मुंह से लेकर के ये अंतिम वाला भाग, ये पूरी एक केनाल है, रूट है पूरा, है ना, एक खोली जगह है आर पार, राइट। तो एक नली सी है, ये पूरा जो सिस्टम है ये यहाँ से लेके मुंह से लेकर के एनस तक का सिस्टम कंप्लीट, माउथ टू एनस, ये सारा सिस्टम जो क्या कहलाता है, सिस्टम या तंत्र कहो हिंदी में, इसको बोलेंगे पाचन तंत्र या पाचन संस्थान, क्योंकि खाना पचाने का काम करता है ये, है
खाना पचा के क्या करता है, ये खाना पचा के ब्लड के अंदर डाल देता है, और जो ब्लड क्या करता है पूरे शरीर में ले लेके पूरे खाने के जितने भी मिनरल विटामिन आयरन ये सब लेके वो क्या करता है पूरे शरीर में घूमता रहता है, सब जगह घूमता है, चाहे वो ब्रेन हो, हाथ हो, टांग हो, कोई भी ऐसा शरीर का अंग नहीं है जहाँ लेके वो घूमता नहीं है। तो ये जो घूमता है ये क्या कहलाएगा, चक्कर लगाना। चक्कर लगाना हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये सर्कल है एक तरह का, घूम रहा है, साइकिल है एक तरह की, साइकिल है ना, आपकी साइकिल एक पूरा करता है। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जो ब्लड घूमता है पूरे शरीर में पाचक तत्वों को लेकर, पोषक तत्वों को लेकर के शरीर के अंगों को पहुंचाने का काम करता है। ये सारा के सारा क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब एक और होता है जो हमें सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद में जो सिस्टम बनता है वो क्या बनेगा। हेलो, मैं आपको फिर से कॉल करता हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास से फ्री होके आपको कॉल करता हूँ। राइट, हाँ जी, ओके जी, प्रणाम। तो जब हम सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं तो सांस वाला कहाँ, ये रहा, ये तो दूसरा है, सांस वाला भाई साहब कहाँ है, सांस वाला इसमें, यहाँ पे तो खाली दो ही सिस्टम, एक ही सिस्टम दिख रहा है क्योंकि पाचन से रिलेटेड है, क्योंकि हमने चार्ट ही वही निकाला है ना, जो चार्ट निकालेंगे वही तो मिलेगा, बात सही है। चलिए, तो हम अपन खाली पाचन संस्थान की चर्चा करते हैं। तो खाना पचाने के लिए हम शॉर्ट में देखते हैं, जैसे ही हमने ये माउथ यानी मुंह के अंदर खाना डाला, ठीक है, ये हमने खाना मुंह के अंदर डाला और खाने को चबाया, खाने को क्या किया, स्विंग किया, चबाया। अब ये दांत जो है ना, दांत के अंदर इसको क्या बोलेंगे, बक्कल कैविटी। राइट, ये जो खाना चबाने के बाद ये कान के पास में एक लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या बला है पता है, पैरोटिड ग्लैंड जो है ना लार ग्रंथि है, हमारे जो मुंह में सलाइवा बनता है ना, लार जो बनता है वो सब इसी से आता है। और ये पता है ये सांप के अंदर भी होता है, सब जहरीले जानवर, सब जानवरों में, इंसानों में, धरती के जितने भी बहुकोशी के प्राणी हैं उन सब में होता है ना, एक तो एक कोशी के प्राणी होता है, एक बहुकोशी के प्राणी होता है। बहुकोशी की का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं या बहुत सारे सेल से मिलके इसकी बॉडी का निर्माण होता है, जैसे हम हैं। और एक कोशी के क्या हो गया, अमीबा, एमोबाइसिस जो हमारे पेट में हो जाता है कभी कभी, ये है, ये सब एक कोशी के प्राणी, ये बैक्टीरिया जितने भी हैं ये सब एक कोशी के प्राणी, ये परजीवी होते हैं, है ना, ये परजीवी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके सिस्टम ही नहीं पूरा, वो अपना पोषण कैसे करते हैं, इसलिए इनका डिवीजन भी बहुत जल्दी होता है, मतलब इनके जो कॉलोनी बनना है काम भी बहुत जल्दी। इस धरती के ऊपर ऐसे जीव संरचना मौजूद है, आप पूछोगे कि कम से कम कितनी टाइम के अंदर वो पूरा अपना जीवन काल जी लेते हैं, तो मैं कहूंगा आज का विज्ञान
जो मानता है 30 सेकंड के अंदर उसका जन्म भी होता है, वो बच्चा उसका बड़ा भी होता है, मैच्योर भी होता है, बुढ़ा भी होता है, तो ये 30 सेकंड का जीवन हो लेके धरती पर आता है। ऐसे भी धरती पर वो सब ये बैक्टीरिया और इन्हीं की श्रेणी का वायरस, वायरस कभी मरता ही नहीं है, बैक्टीरिया हमेशा मरते हैं, वायरस कभी नहीं मरते, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जा सकते हैं, वायरस में कभी भी केवल आरएनए होता है, डीएनए कुछ नहीं होता, क्योंकि वायरस तो खुद मरा हुआ है, जीव है ही नहीं, तो उसको कौन मारेगा। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब भी बॉडी में होगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन वायरल डिजीज में, वायरल में आपको एंटीबायोटिक काम करता ही नहीं, डॉक्टर कहता है भाई जी इसका टाइम पीरियड है और ये पीरियड पूरा करेगा तो खत्म हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन हो गया, वो कहेंगे ठीक से 5 दिन रहेगा ठीक हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड, वो आप कुछ भी दवा दे लो कुछ भी नहीं होने वाला, केवल आपकी जो शरीर की इम्यूनिटी है वही उसमें कोई धरती पे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं हुआ। तो वायरस वो संरचना है जो एक तरह का बीज है, खेत के अंदर पड़ा हुआ बीज, वो भी वायरस, खेत में बीज जैसे ही धरती में लगता है उसको खाद पानी और उसके लिए पनपने के लिए एनवायरनमेंट जो मिलता है, वो एनवायरनमेंट और खाद पानी ये सब मिल करके उसके जीवन को बढ़ाते हैं, फिर उसमें से पौधा निकलता है और अपनी संरक्षण करता है। तो वायरस भी यही है, वायरस क्या है, वायरस आज वायरस भी क्या करता है, वायरस कुछ भी नहीं है, चिंता मात्र है, वो बीज है, वो बीज आपके शरीर कभी भी फिट हो जाए तो आपका शरीर भर्ती खाद पानी हो गया है ना, आपका शरीर उसको क्या देता है और बस वही बीज आपके शरीर में, जैसे भर्ती में पौधा लगाता, पेड़ बना, किसी प्रकार ये वायरस है और वायरस बीज है, एक तरह का शरीर बड़ा हुआ पौधे की तरह आया और वृक्ष बना और ऐसा वृक्ष बनेगा कि आपके शरीर के सिस्टम को प्रभावित करता है, ऐसा समझिए, जैसे ही उसका तना फैलेगा तो आपके बली कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा पार्ट को, क्योंकि साइज बढ़ा रहा वो तो अपने कोरोना का हो या शरीर में जाने के बाद ये अपनी संख्या, अपनी संख्या जो बढ़ा रहे हैं, अपनी साइज बढ़ा रहे हैं, अपनी साइज बढ़ाते हैं, वो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं और आपके शरीर को कुछ नहीं कर रहे, केवल उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसके कारण आपके सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, वायरस का कार्य ये। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया का क्या कार्य, बैक्टीरिया का एक कार्य है वो आपको खाएगा, दे देगा आपकी बॉडी को यूज कर और अपनी कॉलोनी बनाएगा, बच्चे पैदा करेगा, एक छोटा से छोटा बैक्टीरिया उसकी उम्र कितनी है, टाइम लेता है ग्रोथ में, और भी ज़्यादा हो सकती है, एक मिनट की हो सकती है, दो मिनट, पाँच मिनट, ढाई मिनट, अलग अलग। वायरस की भी कहानी कुछ ऐसी है, वायरस की कोई उम्र नहीं है, वो धरती पर जहाँ भी हो तो कितना है, हवा के अंदर से यहाँ से उड़ा, तुलसी का बीज उड़ा और कहीं और जाके तुलसी का बीज गिरा और उसको जैसे ही बारिश बारिश आई, आज पानी मिला और तुलसी का बीज
बीज होता है, उसका भी बीज तो है ना वही, या खाद पानी और उसको अनुकूल वातावरण मिल जाना चाहिए। तो वायरस अनुकूल वातावरण दादा, तो वो वायरस बन जाता है। दादा थोड़ा बट साउंड ये साउंड वायरस साउंड और थोड़ा सा बैक्टीरिया गड़बड़ हो में रहा है, फर्क इतना, क्या साउंड थोड़ा गड़बड़ हो गड़बड़ हो गया? रहा है, साउंड थोड़ा सा इको हो रहा है, आपका ईयरफोन कुछ प्रॉब्लम है कर रहा है क्या? साउंड हाँ सर, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी ना। अभी ठीक है? अभी थोड़ा इको हो रहा है। एक बार बोलिए तो पता चलेगा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, सही आ रहा? थोड़ा क्लियर हुआ क्या? इको हो रहा था, अभी बोलिए। ठीक है, हाँ अभी ठीक आया। बेटर, अच्छा, ये हमारा ब्लूटूथ है ना, वो उधर साइड में चला गया था सर। हाँ, पिछला कुछ भी नहीं सुना मुझे ये वायरस तो। वाला दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा, वायरस वायरस वाला रिवाइज करना पड़ेगा, वो इको हो रहा है। और बैक्टीरिया, हाँ देखिए, क्योंकि बीमारियां तो सारी इसी से आती है ना। सिस्टम तो हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत जबरदस्त इसको है। रिवाइज कर दीजिए एक लाइन में थोड़ा, फिर से ये सुनाई नहीं, हाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आवाज क्योंकि यही इको हो तो, रहा है। हाँ अभी मैं वापस से ले लेता जी हूँ, सर, नो टेंशन। अभी बराबर आ रही है ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो वायरस और बैक्टीरिया में केवल इतना ही फर्क है कि एक तो धरती का बीज है वायरस, है ना, और बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय प्राणी है, वो कोशिका है, उसमें डीएनए होता है और आरएनए दोनों मटेरियल होते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए दोनों मटेरियल होते हैं, जबकि वायरस के अंदर केवल आरएनए होता है। तो आपने सुना भी होगा, ये रेप्लिकेट करता है। आरएनए का काम क्या है? कॉपी बनाना। तो वो कॉपी बना देता है, एक दूसरे की कॉपी। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से तरीके से क्लियर करने का कोशिश करता हूँ कि बैक्टीरिया जो है इस धरती पर ऐसा जीव है जो 30 सेकेंड, कम से कम 30 सेकेंड की उम्र लेके आता है। अब वो इसमें जन्म भी लेता है और बच्चा भी होता है, बड़ा भी होता है ना, उसकी प्रौढ़ अवस्था भी होती है, जन्म भी लेता है, बच्चा भी होता है, बड़ा भी होता है, फिर वृद्धावस्था भी आती है और मर भी जाता है। यानी 30 सेकेंड की उम्र के अंदर सारा खेल कर जाता है, वो जो भी करना है वो सारा इसी में ही कर देता है, और वो अपनी अगली वाली पीढ़ी को भी इसी में जन्म दे करके चला जाता है। अगली पीढ़ी की भी यही कहानी होती है, वो अगली पीढ़ी जन्म लेती है और वो बड़ी होती है और फिर अपनी प्रजनन क्षमता से आगे आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ाती है और फिर वो चल देती है, टाटा कर जाती है। तो ये 30 सेकंड का ही कार्यकाल है उसका जीवन, बस इतना ही है। बस ये है, कम से कम प्राणी 30 सेकंड का होता है। ऐसे ही बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो है 1 मिनट भी जीवन ले सकता है, 2 मिनट भी ले सकता है, 2.5 मिनट भी ले सकता है, 3 मिनट भी ले सकता है और 1 दिन भी ले सकता है। ये जीवन काल है अलग अलग बैक्टीरिया के, अलग अलग। उसी के आधार पे हमारी साइंस, आधुनिक विज्ञान उनके नामकरण कर देती है। ठीक है, डेंगू का अलग अलग हो गया, चिकनगुनिया का अलग हो गया, ऐसे ही सभी का कहानी सभी की एक जैसी ही है। ये जितने भी परजीवी हैं शरीर के अंदर घुस जाते हैं, घुसने के बाद में टीबी है, ये सब के सब बीमारियां इस टाइप की शरीर को काटते हैं, छेदते हैं। आपने देखा होगा टीबी में क्या होता है, ये लंग्स को छेद करके खा पी करके खत्म कर देते हैं, वो ब्लड ब्लड उसमें चालू हो जाती है। ठीक, वायरस और बैक्टीरिया में कुछ फर्क इतना सा है कि वायरस में, बैक्टीरिया में जहां हमने देखा कि इसकी उम्र सीमित है वायरस की,
उम्र सीमित बिल्कुल नहीं है। अभी कंपेरेटिव स्टडी पर आते हैं अपन, पर बात करते हैं। अब मैं पहले क्या बोला वो मुझे भी याद नहीं, मैं भूल गया। तो अब ये अपन कंपेरेटिव स्टडी करते हैं ना, तो उसमें सारी चीजें आपको शॉर्ट में शायद समझ में आ पाएंगी। तो पिछला तो मुझे भी याद नहीं, आप रिपीट करने बोलोगे तो बड़ा मुश्किल हो। तो इसमें बैक्टीरिया में डिटेल करें तो बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की उम्र जो है लिमिट है, उम्र के दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसकी लिमिट है। वायरस की नो लिमिटेड, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? ये एक बीज की तरह है, जैसे हम गेहूं का पौधा लगाते हैं, वो जब बीज हम 100 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, राइट? तो जब तक कि वो बीज पनप नहीं जाता, उसको खाद पानी नहीं लग जाता, तब तक वो उसकी उम्र का ठिकाना नहीं है, वो बीज है। जबकि बैक्टीरिया क्या है? बीज नहीं है, वो तो अपने पीढ़ियों को प्रजनित करता है, यानी एक के बाद एक पीढ़ी आती है और वो रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है। और ये कॉपी नहीं बनाता, ये बैक्टीरिया क्या कॉपी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसमें तो डीएनए है, तो अगली पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता है इसमें। जबकि वायरस में अगली पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता नहीं है, वो कॉपी करता है। कहाँ से करता है कॉपी? आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करके या उस पे कैप्चर करके, उसके न्यूक्लियस को कैप्चर करके। अभी मैं सेल पढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आएगा ये क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, जो भी है अभी सब ऊपर से निकल रहा होगा। इनको कैप्चर करके वो ऑर्डर कर देता है कि भाई इसकी रेप्लिकेट करो, इसको कॉपी बनाओ, तो उसकी कॉपी बनता चला जाता है। यानी एक बीज से दूसरे बीज की कॉपी बनती है, रेप्लिकेट होता है वो, क्लियर? तो वो जो है वो केवल आरएनए मटेरियल है। इसलिए हम क्या करते हैं, आरएनए और डीएनए की फोटो भी मैं अगली बार दिखाऊंगा, लेकिन अभी जब सेल पढ़ेंगे तो आरएनए क्या होता है, वो डीएनए क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, वो सब हम आगे समझेंगे। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस का अंतर केवल इतना है कि वो परजीवी है बैक्टीरिया, और वायरस परजीवी नहीं है, वो कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है। उसको बढ़ने का तरीका, उसकी बढ़त का तरीका डिफरेंट है और इसकी ग्रोथ का तरीका अलग है। तो एक रेप्लिकेट करता है और आपकी बॉडी के अंदर केवल और केवल वो ऑक्यूपाई करता है, प्लेस को ऑक्यूपाई कर रहा होता है अपनी रेप्लिकेशन से। यानी आपके खान पान, यानी आपने जो भी खाया पिया है, उसको उसकी एनर्जी को यूज करके अपनी कॉपी बनाता है, वो फोटो कॉपी बनाता है, ऐसा मान के चलिए। तो रेप्लिकेट करता है, इसलिए वो प्लेस को ऑक्यूपाई करता है। जैसे सांस नली में हो गया, तो सांस नली में कोरोना घुस गया तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, कॉपी करेगा। तो कॉपी करते 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 जब वो इकट्ठा होता जाएगा तो सांस नली धीरे धीरे करके जाम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बचेगी, वो सब में ही वो ही भर जाएगा, रेप्लिकेट करके, कॉपी कर करके, राइट? वो हमारे शरीर के, या उसको खाद पानी की जरूरत है। खाद पानी कहाँ से मिलेगा? हमारा शरीर दे देगा उसको। जबकि बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है आपके शरीर को छेद करके, आपका परजीवी, जैसे मच्छर आपका खून चूसता है वैसे वो आपको चूसता है, और आपसे जो खुराक प्राप्त होती है उससे वो अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और अपनी आगे वाली पीढ़ी को प्रजनित करता है। ऐसे क्रम चलता है उनका। तो दोनों में फर्क क्या है? इसलिए एंटीबायोटिक किसको मार सकते हैं? बैक्टीरिया को मार सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जीव है, डीएनए है उसमें, इसलिए आप उसको मार सकते हो। बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, कौन मारेगा? एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक मार सकते हैं, या आपकी एंटीबॉडीज आपकी ब्रेन ये शरीर की हिस्से मार सकते हैं ना, एंटीबॉडीज आपकी, या हमारा WBC मार सकता है उसको, या एंटीबायोटिक मार सकता है, लेकिन आरएनए मटेरियल को आप नहीं मार सकते, इसलिए इसका कोई इलाज मिलता ही नहीं है। वैक्सीन बनाओ कुछ भी बनाओ कठिन है, मतलब इसको आरएनए का जो रेप्लिकेशन वो तो कॉपी मारता है ना, फोटोकॉपी। तो जितने भी वायरस हैं, वायरस की कहानी सारी एक जैसी है, बैक्टीरिया की कहानी बिल्कुल सिमिलर है। तो बैक्टीरिया की एजिंग है फिक्स, वो डॉक्टर जांच करने के बाद में आपको बता देते हैं, टेस्ट रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ भाई ये तकलीफ है, इसको ऐसे इस एंटीबायोटिक से हल कर सकते हैं, तो उस एंटीबायोटिक से हल करते हैं। वायरस में कहानी ये है, ये इसकी कोई दवा बनती नहीं है और ना बन सकती है, ना बन सकती है, इसकी कोई दवा बन भी नहीं सकती, क्योंकि DNA है ही नहीं इसमें। भाई कोई किसी को मारोगे उसमें कोई जीव जिंदा होगा जब भी तो मारोगे ना, वो तो जिंदा है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ है, वो तो बीज है। बीज पनपेगा जब मारोगे ना, तो पहले उसको पनपाया जाए फिर मारा जाए, तो पहले शरीर में घुसेगा फिर पनपेगा फिर मारो, मारो क्या उसके सिम्टम्स पे इलाज करते हम, इलाज तो कुछ है नहीं। तो जो भी करता है हमारा बॉडी ही करता है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये हम इन वायरसों से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। आयुर्वेद बोलता है इन वायरसों से बचने के लिए क्या करो, वायरस से बचने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो नाक है ना, नोजल कैविटी जिसको बोलते हैं, ये नाक वाला हिस्सा, यहाँ से रेस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है। तो आप ऐसे सोचिए, आप अपने मकान में यदि घुसते हैं अंदर दरवाजे में, और आपके मार्बल का फर्श है, ये टाइल एकदम शानदार आपने बना के रखा है, एकदम साफ सुथरा चिकना वाला फर्श, अब इस पे क्या करोगे, सरसों का तेल डाल दो, एक टीपा उठाओ पूरा 15 लीटर 20 16 लीटर वाला, 15-16 लीटर का जो भी आता है, उसको खोलो और उस पीपे को अपने फर्श के ऊपर पूरे को डाल दो तेल को, ठीक है, सरसों का तेल। अब आप ये करो कि उस पर अपने एक कमरे से दूसरे कमरे तक चल के दिखाओ, आप कहोगे ये कैसा टेस्ट है, ऐसे तो गिर जाएंगे हम, खड़े ही नहीं हो पाएंगे। यही बात है वायरस के साथ, जब आप यही सरसों का तेल नाक में डाल के रखते हैं, या कोई भी चिकनी चीज नाक में डाल के रखते हैं, तो वायरस भी वहां चिपक के खत्म हो जाता है, मतलब खत्म नहीं होता, वो आपको यहीं चिपक जाएगा, तो आप उसको निकाल के फेंक सकते हैं। नाक को साफ करोगे शाम को जब भी नल पानी में, तो कोई भी उड़ भी रहा होगा वायरस, तो डॉक्टर बोलते हैं ना, जब वायरस आया था एम्स के डायरेक्टर साहब आके एक दिन TV पे बोले, ये भाई छींक से उड़ जाता है और किसी को इधर उधर चला जाता है। फिर थोड़े दिन बाद आए फिर बोले कि नहीं, ये तो हवा में भी घुला हुआ है, हवा के अंदर भी आता है। ये हवा के थ्रू क्या है, ये तो हल्का सा एक तिनका ही तो है, बहुत बारीक तिनका है, तो हवा का झोंका आएगा तो उड़ भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये क्या है, बीज ही तो है, अब बीज को आप रख दो, फूंक मार दो, तेज हवा आएगी तो उड़ जाएगा। बीज आपको दिख रहा है लेकिन ये इतना छोटा है कि दिखता नहीं, इतना छोटा, 100 नैनोमीटर जिसको बोलते हैं, तो जो आपका मास्क का साइज होता है वो होता है 400 नैनोमीटर, जो मुंह पे हम मास्क लगाते हैं उसका जो छेद होता है N95 का, 400 नैनोमीटर। आज का विज्ञान बोलता है यदि 400 नैनोमीटर से कोई छोटा छेद का मास्क लगाया जाए तो हमको सांस नहीं आएगी, हम मर जाएंगे, इसलिए 400 ही बनाया जाता है, इससे नीचे हम नहीं बना सकते, जबकि वायरस की साइज क्या है, 100 नैनोमीटर। यानी आपका मास्क का साइज बड़ा है और ये
छोटा है, मतलब कुल मिला के कुछ भी कहें उसको वो सारा रेप्लिकेट करने का ही काम करता है। तो हमें ये चीजों को समझना पड़ेगा। वायरस से निपटने का कोई इलाज अभी तक दुनिया में नहीं है। जो सरकार प्रयास कर रही है, हम सब मिलके साथ उनका दें और इसके सारे नियमों का पालन करते रहें, ये एक अच्छा प्रयोग हो सकता है। तो वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस केवल इतना ही है, मैंने आपको बता दिया कि इसका इलाज हो सकता है, बैक्टीरिया का और वायरस का इलाज नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, कारण भी आपको पता लगा है, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है, जीव नहीं है जिसको मार दोगे आप, जीव नहीं है, वो तो बीज है, वो अपने तरीके से बढ़ता है, उसको तो खाद पानी मिलने की जरूरत है, तो खाद पानी आप हो ही जाते हो, आपकी बॉडी हो जाती है, वो इस्तेमाल करता है और उसको अपनी रेप्लिकेशन के लिए यूज करता है। ये है बैक्टीरिया और वायरस का फंडा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कुछ। इस पे कोई आपका कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं, फिर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के आगे बढ़ाएंगे। दादा क्यों ये मेरे दिमाग में, हाँ जो साइंस के स्टूडेंट होंगे ना उनको समझ आएगा, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। क्या चीज? जो आपने ये जिंदा जीव और मरा हुआ जीव बताया कि उसमें जीव नहीं है, डीएनए और आरएनए वाला ना, वो साइंस के स्टूडेंट को नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा इजी करके बता दो। हाँ तो देखिए वही तो मैंने बताया, देखिए इसमें दादा एक काम कर सकते हैं। हाँ। कि इसके लिए क्लास जो आपका जब आप सेल पढ़ाएंगे तो उस समय डिटेल में समझ में आ जाएगा, आप सिर्फ मोटा मोटी अभी समझा दीजिए सिर्फ। हाँ बैक्टीरिया और वायरस का अंतर मैंने बताया ना, ये तो कोई भी पहली क्लास का पढ़ा हुआ हो या नहीं भी पढ़ा हो ना तो भी समझ जाएगा। नहीं थोड़ा मैंने जो डीप में पढ़ाया तो डीप में तो आप जब सेल्स पढ़ाएंगे ना, आरएनए डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, तब उस समय ज्यादा समझ में आएगा। हाँ ये जो डाइजेशन से क्या रिलेशन इसका, अभी नाम जो लिए हैं मैंने इनको सबको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, केवल इतना दो चीजों का याद रखिए कि वायरस और बैक्टीरिया में केवल यही अंतर है कि वायरस एक प्रकार का बीज समझ लीजिए उसको, वो बीज है, उस बीज को हम खेत में डालते हैं तो उससे पौधा निकलता है, ठीक वही खेत हमारा खेत शरीर भी वही खेत बन जाता है, उसको सपोर्ट देता है, उसको जिंदा संरचना चाहिए, उसको डीएनए चाहिए, जब वो आप और डीएनए आपका है बॉडी के अंदर है, अब डीएनए आरएनए को छोड़ दीजिए, चलिए शॉर्ट में समझ लीजिए, वायरस जो है वायरस एक ऐसा प्राणी नहीं है, प्राणी तो कह ही नहीं सकते, वो तो बीज समझ लीजिए, खेत के अंदर बीज डालते ना तो प्राणी तो तब बनता है जब वो बीज उपज जाता है, तब उसमें प्राण आता है, जब प्राण आएगा जब ही तो उसको मानेंगे ना, तो ये भी हमारे शरीर में जब चला जाएगा अंदर उड़ता हुआ, ये तो तिनका है एक तरह का, है ना, तिनका उड़ता है ना, तिनका है एक तरह का, तो तिनका है हमारे शरीर में, कहीं से भी जाता है और वहां जाने के बाद में अपनी कॉपियां बनाने लगता है आपके, क्योंकि वो तो आरएनए है, आरएनए मटेरियल, वो बाद में बताऊंगा आरएनए डीएनए क्या होता है, तो उसका फोटो भी दिखाएंगे आपको, फोटो के साथ में सारी चीजें समझ में आएगी। हमें केवल यही ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया जो है वो केवल और केवल एक प्राणी है, और वो प्राणी नहीं है वायरस, वो प्राणी के साथ जुड़ने के बाद उसमें प्राण पैदा होते हैं, ऐसा समझ जाओ, है ना, वो किसी बंदर को लग गया तो उसके प्राणों का इस्तेमाल करके वो अपना काम कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, जबकि बैक्टीरिया प्राणी है, वो तो कहीं भी होगा, शरीर के अंदर होगा या शरीर के बाहर होगा, उसको बस उसको खाना चाहिए, वो अपनी प्रजाति को विकसित कर सकता है, समझ में आ गया यहां तक। इसलिए बैक्टीरिया जो है
छूत की बीमारी हो सकता है, क्योंकि वो बाहर है, आपने अपनी जो चीजें इस्तेमाल की हुई हैं आपने गलती से कहीं रख दी हैं, उसको कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा तो वो बैक्टीरिया उसके साथ में प्रवेश कर सकता है, उसके पास जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया जनित बीमारियां जो होती हैं वो एक दूसरे को शिकार बना सकती है। कई बार हमारी जो क्षमता है वो उसको कंट्रोल कर जाती है, कई बार नहीं कर पाती, तब वाली परिस्थिति बनती है। तो बैक्टीरिया और वायरस में केवल ही अंतर इतना ही है कि वो जीव संरचना है, जो बैक्टीरिया है, वायरस कोई जीव नहीं, ये निर्जीव है, इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। अभी वो तिनका ऐसा दिखता है, कभी वो शेप बदल लेगा, ठीक, फिर स्पाइक प्रोटीन जैसा दिखेगा, कभी उसके कोई सींग निकल आएंगे, कभी कुछ अलग तिनका होगा, लेकिन जीव का तो एक ही आकार होगा ना। जैसे मैं जीव हूँ, आप जीव हो, बंदर एक जीव है, चिड़िया एक जीव है, तो चिड़िया की बात करती हमारे दिमाग में आता है, वो ची ची करती है सुबह सुबह, है ना। किसी को भी पूछो, कोई भी बता देगा चिड़िया का, बोले ये रही कि चिड़िया। बिल्ली कहाँ, ये रही बिल्ली। बंदर, ये लोग बंदर, है ना। लेकिन वायरस का कोई आकार नहीं होता, इसीलिए ये कभी, ये अपन कहते हैं ना डबल म्यूटेंट हो गया, ये म्यूटेंट हो गया, मतलब क्या है, वो अपना आकार प्रकार बदलता रहता है। ऐसा राक्षस समझ लो उस जमाने का, जो हम पढ़ते थे ना किताबों में, राक्षस ने रूप बदल लिया, तो बस ऐसा ही समझ लो। लेकिन बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया जो है रूप नहीं बदलता, इसलिए इसको पकड़ा जा सकता है, इसको मारा जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। वायरस से संभावनाएं कम होती हैं, वो तो खेत की तलाश में रहता है, आप उसका खेत बन जाओगे तो वो आपको इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो बचने के तरीके मैंने आपको बता दी, ये दोनों बीमारियां इस तरह से फैलती हैं। अब बैक्टीरिया की कहानी देखें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ही ये बात क्यों उठी थी, मेरे को क्या बताना था, वो मैं मुझे ये बताना था कि ये आपके अंदर पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ पर लिखा है पैरोटिड ग्लैंड, ये सांप के मुंह में जहर का काम करती है, यानी किसी, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, भरे रहते हैं प्रोटीन, है ना, ये लार के रूप में आपके शरीर में इसमें से निकलता है, और ये जो है ना इसकी ग्लैंड का, ये तो पैरोटिड ग्लैंड है और पैरोटिड डक्ट के थ्रू निकलता है। ये डक्ट, डक्ट कहाँ है, डक्ट का मतलब डक्ट उसे कहा जाता है मेडिकल साइंस में, जो उस ग्लैंड से एक छोटी सी नली का जो निकल के आएगी मुंह के अंदर, वो लार की जो नली आई है उस ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, और जिस जगह तक आया है वो एरिया क्या कहलाएगा, डक्ट। ठीक है, डक्ट का मतलब टोकरी वोकरी नहीं, और ऐसा समझो कि किचन में कोई डक्ट है, टोकरी टंगी हुई है, वो नहीं है, सब ये कहानी कुछ ऐसी। ये जो है सांप के मुंह में ये जो ग्लैंड होती है, ये जो हमारे कान के पास लगी रहती है, सांप के मुंह में यही दांत के पास लगी रहती है, हमारे भी दांत के पास लगी हुई है, वो जैसे ही काटता है तो दांत तो केवल छेद करते हैं, और वो जो ग्लैंड से, पैरोटिड ग्लैंड से डक्ट निकलती है, डक्ट वहां पे लार छोड़ देती है, तो वो ही जहर होता है, क्योंकि वो जो प्रोटीन है हमारे शरीर से मैच नहीं करता, वो भी है तो प्रोटीन ही, हमारा शरीर भी प्रोटीन है, क्यों हमारे शरीर से मैचिंग नहीं करता, इसके कारण वो हमारे लिए जहर है, और जिन लोगों का प्रोटीन उससे मैच कर जाता उसको जहर नहीं नुकसान करता। जिनमें, कई लोगों में होता है, कई लोग कहते हैं ना भाई वो तो उसको तो खा गया था, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको तो हो गया, जिसका देखिए हमारी
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी दादा आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, कॉल आ गया था तो बीच में अटक गया। ये पैरोटिड ग्लैंड है ना, बस ये काम क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते, इन सबको ये जो लार है इसको मार देती है। और हमें क्या कर रहे हैं, हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके देखेंगे, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे चलते चलते दिखाई देंगे, और जूम करेंगे और खूब सारे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम यंत्र से देखते हैं तभी दिखते हैं, किसी दर्शी यंत्र से देखते हैं तभी दिखाई देते हैं। अब ये हमारे सभी शरीर में जाते तो होंगे, आप कहोगे ऑब्वियसली जाएंगे, जब दिख रहे इतने सारे चलते हुए तो जाएंगे तो सही है ना। अब जाके अंदर क्या करेंगे, जैसे अपन छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को पूछी देते हैं, ठीक है, क्या पूछी देंगे अंदर जाके? बिल्कुल, आप कहोगे कि पूछी तो नहीं देंगे, ये तो बैक्टीरिया है तो हमको खाएंगे तो सही, बिल्कुल खाएंगे है ना, अपने बच्चे की तरह पुच्ची थोड़ी देंगे। तो अब जब अंदर जाएंगे ये खाएंगे, खाएंगे तो क्या करेंगे, घाव बनाएंगे, छोटी मोटी बीमारियां पैदा करेंगे। इसलिए भगवान ने आपको क्या दिया, ये पेरोटिड ग्लैंड दी। भगवान ने बोला कि लो बेटा, इस धरती पर आपको ये पेरोटिड ग्लैंड लेके भेजता हूं, एक छोटा सा गस्सा तोड़ना और इस दांतों से 32 दांत दिए, इनसे चबाना अच्छे से, और इस ग्लैंड से जो लार निकलेगी ना उसको एक एक कोने में पहुंचा देना। तो जीभ दिए घुमाने के लिए इधर से उधर, तो जीभ क्या करती है, मंथन करती है, जैसे सागर मंथन हुआ था ना कभी किसी जमाने में, तो जीभ क्या करेगी, उसको खाने को मंथन करेगी। तो ये जो लार निकलती जाएगी, जैसे जैसे मुंह चलाओगे वैसे वैसे लार निकलेगी, जैसे जैसे मुंह चलाओगे वैसे वैसे लार निकलेगी। तो ज्यादा मुंह चलाओगे तो ज्यादा निकलेगी, और मुंह नहीं चलाओगे तो लार नहीं निकलेगी। पापा क्लास ले रहा हूं मैं। निकलवाने अभी मैं फ्री तो हो जाऊं, फिर बात करते हैं, है ना। हेलो, आवाज आ रही है? तो भगवान ने हमको दे दी पेरोटिड ग्लैंड। अब ये जो पेरोटिड ग्लैंड है, इसको भगवान ने बोला खूब चबाओ, और ये सारे बैक्टीरिया को मारने की दवाई दे रखी है, इनको मार के ही खा जाओ, राइट। तो क्या हम क्या हो गए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हो गए? बिल्कुल, हम सब में नॉन वेजिटेरियन तो है, क्या करें, खाना पड़ता है, या तो खाना खाना बंद कर दे या शरीर नहीं चलेगा। तो वो जो बैक्टीरिया है उसको हम मारने के लिए हमको ये दिए ग्लैंड, इसको हमने खाने को चबाया, चबाया और खाया, और ये अच्छे से अपन ने वेल शेक करके अंदर खाना लिया है, तो जिंदगी में आप बीमार नहीं पड़ सकते। यहीं से डाइजेशन यानी पाचन संस्थान आपका काम करना शुरू कर देता है। दांत मुंह के अंदर बक्कल कैविटी में आपने हाथ से खाना टच किया, वहां से आपका पाचन संस्थान का कार्य शुरू। क्लियर? क्लियर बस आपके लिए इतना ही, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, फिर भूल जाओगे। बहुत अच्छा समझाया दादा आपने।
तो आज की मुलाकात बस इतने, चलिए समापन करते हैं। ओके जी, सभी को प्रणाम।